ने कपड़े दिखाए थे ना, वो कपड़े मैं उसको पहनाने वाली हूँ। मस्त मैं रेडी करूँगी और फोटोशूट करेंगे। फोटोशूट सोच रही हूँ मैं दोपहर को करूँगी, कि दोपहर को नहाने के बाद ना एकदम बेहोश हो जाती है, तो ये सोई रहेगी तो अच्छा रहेगा और रोएगी नहीं, तो ये अच्छा है। दिमाग ना, मेरे पास दिमाग है, मानते नहीं है। हेलो एवरीवन, सो दित्या का फिर दिखा के आपका दिन और भी औसम होने वाला है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान को सुबह सुबह याद करना चाहिए। सो गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से, और दित्या की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग पहले ही बोल दिया है। आज है 12। मैंने कपड़े दिखाए थे ना, वो कपड़े मैं उसको पहनाने वाली हूँ। मस्त मैं रेडी करूँगी और फोटोशूट करेंगे। फोटोशूट सोच रही हूँ मैं दोपहर को करूँगी, कि दोपहर को नहाने के बाद ना एकदम बेहोश हो जाती है, तो ये सोई रहेगी तो अच्छा रहेगा और रोएगी नहीं, तो ये अच्छा है। दिमाग ना, मेरे पास दिमाग है, मानते नहीं है। तारीख, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है, आज का दिन याद आता है ना, आज का दिन मतलब आज का डे आता है ना, तो एक चीज़ें आ जाती है मेरे दिन में, दिमाग में, 2 महीने पहले वाली बातें, कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, क्या क्या हुआ था। उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है, जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखी है तो फटाफट से देखो, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगी, या फिर कार्ड रहेगा ऊपर, ऊपर आई कार्ड रहेगा ऊपर, 3 डॉट पे आएगा सब, उसमें भी डाल दूंगी। ज़रूर से ज़रूर देखना, वो दिन मेरे यादगार दिन थे, वो मैं चाह के भी नहीं भूल सकती, क्योंकि कल मेरी बाबू का जन्म हुआ था। कल वो हो जाएगी 2 महीने की, 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसका, और आज मेरा था गोद भराई। गोद भराई, अच्छा ये भी था मेरा फोटोशूट गोद भराई, फोटोशूट को गोद भराई, और दोनों चीज़ एक ही दिन था, और शाम के दिन मैं एडमिट भी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में डाली, अपने यूट्यूब पे डाली, आप ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि तो आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती और ना मैं आपको भूलने दूंगी। सो आज का प्लान ये है मेरा, कि अभी तो कुछ भी नहीं, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, नहाई भी नहीं, आज तो लेट ही हो गया, और आज बहुत बड़ा काम करना है। आज सारे पर्दे धोने हैं अपने रूम के, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि घर की पूजा करो। घर की पूजा इन से मतलब बच्चे होते हैं तो 1.25 महीने तो शायद पूजा हो की जाती है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है और डेट आगे जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके पहले अगर आप, वो तो पंडित जी तो मिल ही जाएंगे, बात कर लेंगे, पंडित जी मिलेंगे, लेकिन उसके पहले घर की सफाई तो होनी मांगती है, क्योंकि जब से मैं आई थिंक, हाँ जब से मैं प्रेगनेंट हुई हूँ हुई थी, तब से घर के पर्दे नहीं धुले हुए, क्योंकि उस टाइम पे इतना हैवी हो जाता है ना, कि नहीं हो पाता इतना सारा चीज़। तो टास्क ये है कि पर्दे धोने का टास्क नहीं है, टास्क ये है कि इसको हाथों से धोना है, वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, तो ये टास्क है। तो इसीलिए हम दो दो पर्दे रोज़ धोएंगे, इससे रोज रोज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके रोज आएगा, तो फिर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि घर इतना बड़ा है, सारे विंडो पे तीन तीन पर्दे लगे हुए हैं, डोर पे एक एक पर्दे लगे हुए हैं। अगर मैं काउंट करके बताऊँगी, तीन के तीन, तीन दूनी छः, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पर्दे हैं घर में, और इतने लंबे लंबे हैं लेंथ वाइज में, इतने लंबे हैं। तो एक दिन तो लेके बैठ के पागल नहीं होना है, इसको तो हाथ करके धोएंगे रोज़ रोज़। तो आज मैं अपने रूम का स्टार्ट कर रही हूँ धोने के लिए, तो उसको हम रूम इसको धोएंगे हाथों से, और सोचो जो कपड़े भी धोने थे उसको मैं डालती हूँ वॉशिंग मशीन में। दिमाग है मेरे पास, क्योंकि कपड़े तो गंदे हैं नहीं, ये एक दिन पहनते तो 5 मिनट मेरे मैंने निकालना है धो के, तो वो थोड़ा सा उसी में धुल जाएगा, और रही बात पर्दों की, तो पर्दे ज़्यादा गंदे तो उनको हाथों से धुला जाएगा। तो आज का टास्क पे स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैंने सोचा है आज करने की, दित्या का सेकंड मैं इनका फ़ोटोशूट करेंगे, फोटो आपको मैं, हाँ सुबह इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं, लेकिन अब मैं करूँगी कब, कैसे कैसे वो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले तो मैं सोच रही हूँ पर्दे भिगा देती हूँ, क्योंकि पर्दों में गंदगी बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी में इसे भिगाया जाएगा तो फिर गंदगी धीरे धीरे निकलेगी। उसके बाद साथ उनके साथ साथ मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है, बहुत काम है आज, तो थक गई मैं भाई साहब। तो दिक्कत सो चुकी है, बस यही भगवान से प्रेयर है कि भैया 2 घंटे तक आराम से सोए, मेरा 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, क्योंकि आज मतलब एक और बात बता दूँ इसके बारे में, अगर आपने कल की वीडियो मेरी देखी है, मैंने अपलोड कर दी है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैडम रात भर जागी है, हम लोग को नींद आ रही है, कि पापा बोले सो जा सो जा सो जा, लेकिन नहीं, उसको नहीं सोना है, नहीं सोना है, नहीं सोना, और ये मैडम जगी हुई है, इसको नींद नहीं आ रही है। और ऐसे हमने ये वाली लाइट चालू की थी, यहाँ पे लाइट लगाई है मैंने, लड़ी लगाई है,
येलो कलर की, वो लाइट देखी जा रही देखी जा रही देखी जा रही। सो रात भर जागी एक, कल कल तो जागी एकदम मस्त जागी, और मुझे लगता है आज सोए, तो यही है भगवान से मेरी प्रार्थना कि सोए जिससे हमारा काम हो जाए। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, आप कनेक्शन बताते दीता घर में भी इसमें घूमेगी। एक्चुअली वो रो रही थी और मैं नाश्ता बनाती थी क्योंकि नाश्ता भूख लगी है, और आई बात काम की, ज़्यादा काम हो चुका है, कपड़े हो गए, तो पर्दे पर्दे अभी बाकी है। दीत्या रो रही थी, मैंने सोचा इसको इसी में डाल देती हूँ, और अगर रोएगी तो इस तरीके से इसको झुलाया जाएगा। टिन 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 टिन। और मैडम बहुत रो रही है और मेरा नाश्ता भी नहीं बना अभी तक। चुप हो जा बेटा, चुप हो, चुप हो, ओ पूरी बड़ी दीदी ऐसे रखे गुड़िया तो गुड़िया बाबू मां गुड़िया आए ना, बाबू मां गुड़िया आए ना, हेलो हेलो। उठ गई, नहाना नहीं है क्या आज? सो मैं सोच रही थी देखो नया नया हूँ और सारे काम हो गए हैं, मतलब मेरी कमर टूट चुकी है क्योंकि मैंने पर्दे और कपड़े दोनों भी हाथ से धो दिए। मैंने सोचा कि अब कौन मशीन मशीन में डालेगा, पानी डाले फिर वो डाले, तो फिर फटाफट से मैंने हाथ से धुल दिए। अब बात ये है कि मैं सोच रही इसको ना नहलाऊँ क्योंकि कल इसको छींकें आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, और इसके लिए आज इसको मैं नहलाऊंगी नहीं, डायरेक्ट कपड़े पहनाते हैं, थोड़ा सा बोल देती हूँ वाइप से और इसको डायरेक्ट कपड़े पहनाएंगे। और मैडम उठ गई है, अभी इनको भूख भी लग गई है, देखो कैसे बिल्ली की तरह बैठी हुई है, बिल्ली की तरह, बिल्ली है ये तो, बिल्ली। हाँ बिल्ली अपना हाथ बहुत तेजी से खाती है, ये अपना हाथ ये बहुत तेजी से खाती है, बहुत ज्यादा ही। देखो कैसे बैठी हुई है दित्या। हेलो, 1 बज रहे बेटा, 1 बज रहे हो। अच्छा बता रही हो आप भी, चलो इन्हें कपड़े पहना देती हूँ क्योंकि काफी देर से ऐसी बैठे सो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े नहीं पहनाऊंगी कि उठ जाएगी, फिर इसको नहलाऊंगी। बट अभी नहलाने का प्लान कैंसिल, आज आज स्किप कर देते हैं, कल नहला दूंगी टाइम से 12 बजे। और ये रोना स्टार्ट कर रही है, मैं उठती हूँ इनको पहनाती हूँ, फिर पहले दूध फीडिंग करवाती हूँ, उसके बाद से कपड़े पहनाती हूँ इनको। तो इसके कपड़े मैं निकाल लेती हूँ जो मैंने बोला था मैं पहनाऊंगी इसको, फोटोशूट करूंगी, कपड़े निकाल के फिर बैठती हूँ। सो मैंने ये निकाल लिया है, आई थिंक इसके पास रेड येलो अच्छा लगेगा, और तो कोई कलर है नहीं, ब्लू है, रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ग्रीन कलर के शूजेस। तो ये रेडी हो चुकी है फोटोशूट के लिए, मस्त दूध पी ली है तो आराम से लेटी है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो मैं फटाफट से फोटो निकालती हूँ, वीडियो निकालती हूँ। हे गाइस, तो सो के खा के सो के हम लोग उठ चुके हैं और जितना अभी तक सो रही है, मतलब बीच में उठी थी वो, फिर थोड़ी देर खेली, फिर दूध पी, फिर सोई, फिर मालिश हुआ, फिर सोई, अब वापस से एक बार मालिश हुआ है, अब वापस से सोई है। तो इसका रूटीन यही है और मैं बना रही हूँ चाय। सो मम्मी ने बोला कि एक एक करके करके हम पर्दा धोएंगे, लेकिन मम्मी ने खुद ही सारे पर्दे धो दिए, मैंने कहा मैं उनके धोए थे और यहाँ के मम्मी ने धो लिए। सो चलो इसको लगा देती हूँ ऊपर। पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, नहीं आ रहे। आज वापस से बन रहा है नॉनवेज, जी हाँ आज नॉर्मल चिकन बन रहा है क्योंकि इनका मन था खाने का, तो वापस से बन रहा है, हमारा मूड होता है जब मन करे तब बना के खा लो। तो यहाँ प्रिपरेशन हो रही है और यही बना रहे हैं, गए नीचे
चिकन मसाला नहीं था तो वो लेने गए। एंड टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है कि नहीं रहती हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो गए नीचे तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, और बच्ची को लिए मम्मी सुला रही है। वैसे भी नींद में तो सो ही नहीं, कब से लेके बैठी हूँ। और मम्मी ये सब छूती नहीं, टच नहीं करती हैं, इसलिए मम्मी बैठी है बच्चे के पास और मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी तक तो आप इनसे मिले नहीं, अभी आएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। वैसे तो मुझे मसाले वाले चिकन पसंद नहीं है, लेकिन आज बहुत ही कम मसाला में चिकन बनाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल मसाला यूज़ नहीं होने वाला। इसको एकदम ब्राउन कर दे, जैसे ये दिख रहा है ना एकदम ब्राउन। इसके बाद डाला है इसमें लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट, लेंगे हम इसको थोड़ी सी महक निकल जाएगी, उसके बाद डालेंगे मसाला जो नॉर्मल मसाला होता है, खड़ा मसाला जो चिकन में पड़ता है वो। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर वो डालेंगे। रात के बज रहे 12:30, 12:30 नहीं बज रहे, 1 बज रहे हैं और इनको नींद नहीं आ रही है। सर सो गए, सो जाओ प्लीज, सो जाओ दित्या। बाय, गुड नाइट।